Hello guys, so once again your friend Sanjana Salmon is back on her YouTube channel, and today is Sunday, and you know, today I'm celebrating birthday of one of my very good friends actually, and in a group we have come to the Gurdwara, and this is a very famous Gurdwara, Bangla Sahib Gurdwara, situated in New Delhi. हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं बंगला साहिब की, और अब हम लोग बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर निकल के आए हैं। ये गुरुद्वारे का मेन जो हम लोग एग्जिट करते हैं ना वहाँ से आए हैं, और अब हम लोग वहाँ पे सागर में जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अति अद्भुत। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है, और सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, और बादल हो रहे बहुत सारे। और देखिए यहाँ पे सब लोग नहा भी रहे हैं, श्रद्धालु लोग जो आए हैं दूर दूर से, वो लोग स्नान भी कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। यू कैन सी ये जो टोम दिख रहा है आपको गुरुद्वारे का, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। और सबसे अच्छी बात है मौसम बहुत अच्छा है, इतने प्यारे प्यारे काले बादल हो रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। यू जस्ट सी तो बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, तो हम लोग गुरुद्वारा घूम चुके हैं, और गुरुद्वारे के बाद अब हम लोग चर्च आए हैं, और बहुत खूबसूरत चर्च है। इसका नाम है सेंट्रल कैथलिक चर्च, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत व्यू है, बिल्डिंग है, और अभी मैंने कैंडल ली है और मैं कैंडल लगा के प्रेयर करने जा रही हूँ। ये मदर मैरी का ग्रोटो है, ग्रोटो मीन्स मदर मैरी का एक स्टैचू होता है, जहाँ पे कि रिलीजियस पीपल जो होते हैं वो कैंडल्स लगाते हैं और प्रेयर करते हैं, एंड आई हैव कम हियर। मैं देखिए कितना खूबसूरत है, एंड दिस इज पोप जॉन पॉल, उनकी स्टैचू है, एंड हियर इज अ कम। हेलो गाइस, और अभी अभी हम लोग पता है चर्च घूम के आ रहे थे, और देखिए हम चर्च के बाहर निकले तो तेज़ बारिश हो रही है, और वेदर देखिए कितना ऑसम मौसम हो रहा है दिल्ली का, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और मेरे साथ में सब लोग हैं, फैमिली के साथ में आए हैं हम लोग। डॉक्टर नितिन केवल मजाक बस्ती के मूड में। हम लोगों ने गुरुद्वारा बांग्ला साहिब को विज़िट कर लिया है, और कैथलिक सेंट्रल चर्च कनॉट प्लेस उसको विज़िट करा है, और अब हम लोग हनुमान जी के मंदिर आए हैं। ये बहुत ही सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे कि 108 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। ये करोल बाग में है, और मैं आपको प्रतिमा दिखाऊँगी, और बहुत ही ऊँची प्रतिमा है, तो हमें दिखेंगी भी नहीं, लाइक वेरी टॉल, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टॉल है, और यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के नाम से फेमस है। और ये देखिए आप, श्री 108 फुट संकट मोचन धाम ऐसे करके हैं, और द्वार देखिए कितना खूबसूरत द्वार है, ऐसे हनुमान जी का जो मुंह है वो ऐसे खुला हुआ है, ओपन है, और पूरा मंदिर है ऐसे, बहुत खूबसूरत है। और ये हनुमान जी की गदा है, पैर है, तो बहुत खूबसूरत व्यू है, और हम लोग अब
मंदिर आए हैं, मंदिर में हम लोग दर्शन करके और फिर हम लोग कहीं और विजिट करेंगे। आज संडे का दिन है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं आज का दिन आध्यात्म में ईश्वर में गुजारा जाए। और हमने बहुत सारे अच्छे धामों की यात्रा करी, तीर्थ की यात्रा करी है और बस अब हम लोग। हेलो गाइस, ये बहुत खूबसूरत मंदिर है श्री हनुमान जी का और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएँ यहाँ पे लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं शिव जी और ये समुद्र मंथन हो रहा है। देवता लोग हैं, राक्षस लोग हैं और समुद्र मंथन कर रहे हैं और अमृत रखा हुआ बीच में। बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे माता रानी के दर्शन आप लोग पीछे। पंडित जी हैं, बहुत ही भव्य दर्शन, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। आज का दिन बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। और ये देखिए हम लोग एक गुफा में जा रहे हैं, गुफा है और गुफा के अंदर हम लोग चले गए हैं। ऐसी गुफा है यहाँ पे, देखिए सब लोग ऐसे करके जाते हैं। मैं भी जा रही हूँ और बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत प्यारा। आज का दिन बहुत अच्छा गया। हम लोग बांग्ला साहिब गुरुद्वारा होके आए, फिर हम लोग चर्च होके आए और हम लोग मंदिर आए हैं। वाह, बहुत सुंदर मंदिर है और काली माता। ये चामुंडा देवी है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर भव्य स्वरूप, पंडित जी बैठे हुए हैं, माता वैष्णो देवी का भव्य स्वरूप, अखंड जोत चल रही है। फटा हुआ दूसरा ले भैया, अभी और अंदर गुफा है, बहुत खूबसूरत गुफा देखिए। ऐसे हम लोग गुफा में होते जा रहे हैं और मैं पता नहीं कहाँ अकेले की तरफ बहुत गाइस, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ी गुफा है और बहुत सक्रिय है। आगे जैसे सिम चलते जाएंगे सक्रिय होती जाएगी। और बस मैं मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में रख रही हूँ क्योंकि मैं अंदर जाऊँगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और ईश्वर अल्लाह भगवान जीसस वाहेगुरु आप सब लोग के साथ हो, आप सबके हर सोच मुराद पूरी करें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें और अपना आशीर्वाद प्यार मेरे ऊपर भी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग भीग गए हैं और दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक बस में आए हैं। और ये बस कैसी बस है? ये फूड बस है, ये फूड बस है। मतलब कि यहाँ पे एक बस को ऐसा होटल का लुक दिया गया है और आप देख सकते हैं ऐसे, देखिए ये बस है यहाँ पे। नितिन आप दिखाइए ना मेरे व्यूअर्स को, बस दिखाइए कैसी होती है। धीरे धीरे दिखाना, लोग देख पाएंगे वो। हम सीधे बैठे हैं, विंडो भी है यहाँ पे। ठीक गाइस, यहाँ पे विंडो है और आप बाहर देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत है ये बस है। मैं भी बाहर जाऊँगी, मैं आपको बाहर दिखाऊंगी इसका लुक। बहुत खूबसूरत सी बस बनी हुई है और इस बस को लुक दिया गया है ऐसा कुछ। ग्रेट आइडिया, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है।